अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कासिम रॉयल विजन। आज हम कामरन भाई की तरफ मौजूद हैं, उस्ताद चौधरी कामरन गढ़ी शो वाले हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनकी तरफ मौजूद हूँ, उनको नहीं पता वो ऊपर दाना पानी कर रहे हैं, तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं उस्ताद जी क्या कर रहे हैं। और उनसे एक सवाल है मेरा, मैंने उनसे आज एक सवाल करना है, तो इस वजह से मैं उनके पास आया हूँ। ठीक है, उनको पता नहीं है, तो हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। हाँ जी उस्ताद जी, उस्ताद जी वो किथे हो उस्ताद जी? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। आइयो बाहर आइयो, पढ़ ली तो फिर तानू असी। तू सवाल बड़े करता है यार। कोई ना कोई, चलो कोई बात नहीं यार, तुमने भी तो अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ बताना ही ना। हाँ, तो आज कौन सा सवाल लेके आए? आज मैं सवाल लेके आया हूँ उस्ताद जी, जैसे कि आपको पता कल से बारिश बहुत हुई है, तो दाने का बताएं जी, कौन सा दाना पानी करें कबूतर को? ये बड़ी अच्छी बात तुमने की है, बदलता मौसम के साथ। जी जी, मौसम बड़ी स्पीड से जल्दी बदल रहा है। आज तो देखो इतनी ठंडक हुई पड़ी है, ऐसे लग रहा है कि स्वेटर वगैरह डाल ले। मैं ऊपर दाना डाल रहा था, अंधेरा अभी हाँ, कितना हुआ है आज, जल्दी बादल बहुत बने हुए हैं ना, मौसम उन्होंने बताया हुआ। और अब देखो बसू तो गुजर गया। हाँ जी, कत्ता आ गया। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक हो गया। बताते हैं जी दाना, दोस्तों बदलते मौसम के साथ जो आपने दाना, वैसे तो दाना हर मौसम में अच्छा ही डालना चाहिए, ऑयली दाना डालना चाहिए। जी जी, मगर जैसे ही सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो कबूतर में खुश्की पैदा होती है, तो उसके लिए ज़रा थोड़ी ऑयली चीज़ें ज़्यादा कर देनी चाहिए, दाने में क्वांटिटी उनकी ज़्यादा कर देनी चाहिए। उन तो, कुछ चीज़ों को उस्ताद जी बताएं जो सी। बिल्कुल बिल्कुल, देखें गंदम चना और बाजरा मकई ये लोग डालते हैं, मकई से थोड़ा सा भागते हैं लोग कि वो रेशा करती है, तो मेरे ख्याल में ये दकियानुसी बातें हैं। अच्छा, वो कुछ नहीं ऐसा करती, असल में लोगों को ना मकई की पहचान नहीं है। जी जी जी, वो डालते हैं सफ़ेद मकई, पीली सी मकई, बड़ी बड़ी सी। जी जी जी, वो मकई अच्छी नहीं है, वो वाकई ही रेशा करती है, आपको मकई मिलती ही नहीं। जी जी, असल में आप मंडी से जब दाना लेते हैं ना, सबसे पहले वो अपना नाकस दाना निकालते हैं। जी जी, फिर उसके बाद अब जिसको पहचान है गोल छोटी मकई और लाल मकई, वो डार्क ऑरेंज कलर की मकई होती है। जी जी, वो सही पकी हुई मकई होती है और वो गोल होती है। अच्छा, वो चौड़ी मकई नहीं होगी, गोल मकई होगी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ट्रेन तरफ कर रही है, ट्रेन गुजर रही है। देखे जी माशाल्लाह, ये ट्रेन कराची वाली ट्रेन गुजर रही है ना? जी जी, ये ट्रेन गुजर रही है और ये भी गुजर जाए फिर इंशाल्लाह आपको साथ की जो बातें हैं वो भी बता सुनाते हैं, मज़ेदार बातें हैं। और जो न्यू कमर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए ये मैसेज है जी साथ जी। अच्छा, मकई की बात हो रही थी, तो वो मकई जो है ना वो मुल्तान की मकई है खास। अगर आप अपने दाने वाले से, जो लोग मंडी से दाना लेते हैं, दुकानों वाले ज़्यादा ये मकई नहीं रखते, तो उस जगह से मंडी से अगर ली जाएगी तो वहाँ पे ये मकई आपको मिल जाएगी। निशानी मैंने आपको बता दी है, गोल मकई होती है, लंबी चौड़ी मकई ये नहीं होती, ये गोल मकई होती है। इसका कलर जो होगा वो रेड या डार्क उसकी तरह का होगा, ऑरेंज की तरह का। जी जी, ठीक हो गया ना? तो ये इस तरह की ये मकई ज़रूर डालें, ऑयल होता है इसमें आप, और कुर्तम डालें, सूरजमुखी डालें। जी जी, और तोरिया डालें जी अपने दाने में, हसबे ज़रूरत। ठीक है, एक क्वांटिटी के हिसाब से देखें, कोई दो 10 किलो दाना बनाते हैं, कोई 20 बनाते हैं, कोई 1 मन बनाते हैं, और उसमें बंक के बीज डाल लें। बंक के बीज, ठीक हो गया ना? ममनी वगैरह उस्ताद जी डाल सकते हैं? ममनी, यार ममनी तो वही गंदम ही होती है ना, उसका पच होता है। हाँ जी, जो इसको ममन भी लोग बोलते हैं। हाँ, ममनी ये तो वही होगी। हाँ, ना ममनी। हाँ, क्रश हुई ये। जी जी, क्रश हुई। दलिया वगैरह भी डाल सकते हैं? वो गंदम जब हो गई वो तो ठीक है ना। जी जी, गंदम होगी, दलिया हो गया, ये की हो गया, गंदम तो बताइए, वो तो दाने में शामिल होती है ना। जी जी, तो बाकी ये चीजें हैं। उसके अलावा इजाफी लोग मटरी डाल लेते हैं, सोयाबीन डाल देते हैं, कहना जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मीठा। मगर जो मैंने शुरू में आपको चीजें बता दी हैं, कुर्तम, सूरजमुखी, सनफ्लावर जिसे कहते हैं, ये लाजम है चीज़ें, तोरिया, ये चीज़ें आपने डालनी है। जी जी जी, तो ये आप डालेंगे, जो जोड़ों वाले कबूतर हैं या उड़ने वाले कबूतर हैं जो टूर्नामेंट वगैरह में हिस्सा लेते हैं, तो वो पंजाबी की मिसाल है कि वड्डियां दे कहे दा
ਤੇ ਓਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਦੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਹੇ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਦੇ ਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਖਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਪਰ ਆਣਗੇ ਵਜੂਦ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨਰਲਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਦੇ कबूतर का चले वो नेक्स्ट वीडियो में शो करवाते हैं कबूतर का ये आप ही के चैनल भूल गए आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब किया है और अपना भी बताएं जी मेरा चैनल है कासिम रॉयल पिजन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और उस्ताद कामरान का जो चैनल है वो है पिजन ब्लॉग्स विद कामरान पिजन ब्लॉग्स विद कामरान सही सही वो चैनल है उसको भी जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कबूतर का भी शौक करा दें चलें जी बात में पकड़ा हुआ है ना तो मैंने कहा चलो शौक भी करवाएं दोस्तों का वाह जी वाह ये कौन सी ब्रीड है सर जी ये पारस ब्रीड है यार हमारी अच्छा पारस सही ये बड़े बेहतरीन उड़ते हैं क्या बात जबरदस्त रिजल्ट है इनके तो वो तो आप आए थे मैं शौक ही कर रहा था क्योंकि सावन भादो में जोड़े तोड़ दिए थे अब लगाना शुरू किए हुए हैं अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त हो गया ना तो वो अंदर मैं देख रहा था भैया अब किसके साथ किसको लगाना है क्योंकि मैं तोड़ जोड़ करता ही रहता हूँ कभी भी एक जोड़ा नहीं रखता मैं ओहो वाजी वाह क्या बात एक दफ़ा लगाया साल में कुछ तीन तीन चार चार मार दिया एक नर के साथ लगाता हूँ अच्छा 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 ठीक हो गया ना सही सही वाजी वाह क्या बात ठीक हो गया ये जी और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो